अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू परवीन का यम्मी किचन। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है मटन कबाब। तो वीडियो को आप एंड तक के ज़रूर देखें। तो चलिए रेसिपी देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मटन कीमा लिया है और एक घंटे पहले धोकर छन्नी पे रख दी थी, तो सारा पानी इसमें से निकल चुका है। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है। हरा धनिया में मैंने कोथमीर, पुदीना, कटी हुई हरी मिर्च आपको ले लेनी है और साबुत धनिया आपको लेना है और साथ ही बेसन का आटा है ये 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने 3 प्याज का बिरिस्ता बना ली हूँ और लेना है 2 से 3 प्याज आपको कच्ची प्याज, तो बारीक चॉप कर लेंगे उसे भी। और ये साबुत लाल मिर्च है, गर्म मसाला है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर है 2 टेबल स्पून, नमक आपको हसबे जायका लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, 2 to 3 स्पून आपको बटर लेना है। इससे जो हमारे जो कबाब है बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सारे मसाले एक के बाद एक में मैं डाल दे रही हूँ। और जो मैंने कच्ची प्याज ली हूँ उससे क्या कबाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आपको बिरिस्ता बना के भी डालना है और कच्ची प्याज भी डालनी है। अगर आपके पास में अखा धनिया नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अभी हम सारे मसाले डाल देंगे इसी तरह से। आपको कोई मसाला इसमें स्किप नहीं करना है। न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जब भी न्यू वीडियो आए तो आप तक के ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले अभी मैंने ऐड कर लिए, साथ ही अभी मैं जो मैंने बटर निकाली थी ये मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको अच्छे से ये प्रेस करके मिक्स करना है ताकि सारे फ्लेवर जो है कीमे में अच्छे से लग जाए, मिक्स हो जाए। मिक्स अच्छे से आपको कर लेने के बाद में इसे आपको जो शेप देना है वो शेप आप इसे कबाब को दे सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद में, मिक्स करने के बाद में मैं जो ये बैटर को है 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि जो है सारे फ्लेवर कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद में हमें क्या करना है, इसके जो है हमें शेप दे देने हैं कबाब के। तो जो साइज़ आपको कबाब के लेने हैं आप ले सकते हैं। अगर आप बीफ का गोश इस्तेमाल करते हैं कीमा, तो आपको उसमें पपैया का पेस्ट लगाना होगा ताकि वो अच्छे से अंदर तक के कुक हो जाए। तो ये मटन कीमा है इसलिए मैं इसमें पपैया पेस्ट नहीं लगा रही हूँ। हमें पपैया का पेस्ट जो है 2 से 3 चम्मच इसमें डालना होता है, तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसके लिए यहाँ पे मैंने वो स्किप कर दी हूँ। तो इसी तरह से आपको सारे टिकिया इसी तरह से बना लेनी है कबाब की। तो अभी मैं फटाफट से सारे कबाब बना लेती हूँ, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको शेप देना है। तो ये बहुत ही टेस्टी और लजीज कबाब है, आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे जो है मेरे सारे कबाब बनके रेडी हो गए हैं, अभी मैं इसे फ्राई करूँगी। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो ये जो पैन है मैंने इसमें पहले बिरिस्ता बनाई थी इसी में मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो अभी मैं इसमें एक एक करके सारे कबाब ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अभी अच्छे से हम इसे वन साइड कुक कर लेंगे। कबाब का अच्छा कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। अगर आपको ये कबाब में और अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आपको रात में मसाला लगा के रखना है ये कीमे में। अगर आप नेक्स्ट डे बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज कबाब बन के आपके रेडी होंगे। तो ये देखिए पैन में मैंने सारे कबाब अभी डाल दिए हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे अभी हम इसे फ्राई करेंगे।
इसी तरह से आपको सारे कबाब भी फ्राई कर लेना है। तो ये जब एक साइड में आप पक जाए तो थोड़ा सा आपको पलटा के चेक कर लेना है कि ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हुए या नहीं। तो ये देखिए थोड़े से ये श्रिंक हो गए अभी, इसका मतलब ये नीचे से अच्छे से कुक हो गए। तो कितना अच्छा बढ़िया कलर आया इसका। अब मैं इसे टर्न कर ले रही, तो जो कबाब में नीचे अच्छा फ्राई नहीं हुआ है वन साइड, मैं उसे उसी तरह से रहने दे रही हूँ और बाकी के टर्न कर ले रही हूँ। अभी हमें सेकंड साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए सेकंड साइड भी अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ, तो अभी हम इसे सर्व कर लेंगे और बाकी के कबाब भी मैं ऑफ कैमरा फ्राई कर लूँगी और इसे आपको सर्व करके बताती हूँ। ये जो कबाब है इसे गुलाटी कबाब भी बोलते हैं, लेकिन इसमें मेहनत है, लेकिन जो इसका जायका है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं ये कबाब में सारे फ्लेवर, जो भी आप मसाले डाले हैं वो दिख कर आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप खड़े मसाले यूज़ करते हो तो वो कबाब में जायका बढ़ा देता है। तो आप जो है खड़े मसाले यूज़ करें, अक्खा धनिया और अक्खी लाल मिर्च को आपको भून लेना है और उसे दरदरा पीस के इसमें ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये पूरे कबाब जो है फ्राई हो गए। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। कबाब फ्राई होने तक के यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी भी बना ली हूँ कबाब के साथ में खाने के लिए। तो ये ग्रीन चटनी जो है कबाब के साथ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं यहाँ पे साइड में आइकन लगा दूँगी। और ये रहे हमारे कबाब रेडी हो गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। आज की ये कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। लाइक करना बिल्कुल ना भूले, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।